अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं टमाटर वाले चावल। ये एक साउथ इंडियन डिश है, तो हम ये बिल्कुल बिरयानी का टेस्ट देती है। अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ गए या भूख लगी है, कुछ बनाने का मन नहीं है, तो आप फटाफट इसे बना लीजिए। बहुत जल्दी भी बनते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुकर में डालते हैं एक बड़ा चम्मच घी और एक चम्मच हम तेल मिक्स कर देते हैं। इससे चावल बिल्कुल चमकीले हो जाएंगे। आप चाहे तो पूरा घी में भी बना सकते हो या तेल में भी फ्राई कर सकते हो। अब साउथ इंडियन तड़का देते हैं, जिसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सरसों यानी दाल, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी एक चम्मच चने की दाल, और अगर आप पसंद करते हो तो उड़ीद की दाल भी इसमें साथ में डाल सकते हो। तड़कने लग गई है, अब हम इसमें कुछ मसाले मिलाते हैं। जैसे एक चम्मच में इसमें जीरा डाल रही हूँ, कुछ खड़े गरम मसाले, तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्च और काली इलायची, और इसे भी तड़काते हैं। ये मैंने हरी मिर्च 3 बीच में से काट के ले लिए हैं, इसे भी हम डालते हैं। अब इसमें डालते हैं एक प्याज बड़ा हुआ, बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, अब इसे थोड़ा कलर चेंज होने तक हम इसे अच्छे से प्याज को फ्राई करेंगे। ये बहुत आसानी से बनने वाली और कम खर्च में, अगर कोई मेहमान आए, कोई अचानक भूख लगे, कुछ समझ में ना आए, तो ये बना लो, बिल्कुल बिरयानी वाला टेस्ट आएगा और झटपट भी बन जाएगा। प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई है, थोड़ा सा रंग चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं एक चम्मच भर के, एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे भी अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। अब इसमें ये हमारा जो पुलाव है वो टमाटर वाला पुलाव है, तो अब हम इसमें 3 से 4 बड़े देसी टमाटर हम इसमें बारीक काट के इसमें ऐड कर देंगे। इसमें देसी टमाटर का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये देसी टमाटर का जो फ्लेवर होता है वो खट्टा होता है और चावल में बहुत टेस्टी लगता है। अब इसे भी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। टमाटर डाले हैं तो इसको भुनाई करने के लिए हम इसमें नमक डालते हैं, ताकि जो हमारे टमाटर है वो जल्दी से गल जाए। तो मैं चावल और टमाटर सब्जियों के हिसाब से इसमें नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। टमाटर हमारे गल चुके हैं, अब हम इसमें मसाले मिलाते हैं। मसाले भी हमारे कम जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। आधा चम्मच मैं हल्दी डाल रही हूँ, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ही धनिया पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर सॉरी, जो हमारे नॉर्मल मसाले हैं यही हम मिक्स करेंगे और इसे अब अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें मिलाते हैं धनिया और पुदीना,
बारीक काट के थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। इससे जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही खुशबूदार और बिल्कुल बिरयानी वाला टेस्ट आएगा। तो इसे स्किप ना कीजिए। अब आई मेन चीज़ की बारी। मिक्स हो गए हैं, सब कुछ भुनना ही अच्छे से हो गई है। अब हम इसमें मिक्स करते हैं 2 कप चावल। ये मेरे बासमती टुकड़ा है, आप चाहे तो लॉन्ग बासमती भी यूज़ कर सकते हैं या रेगुलर, जो भी आप पसंद करते हो वो चावल इसमें डाल सकते हो। अगर कोई मेहमान आए तो आप इसे लॉन्ग बासमती में ही बनाइए, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, कि दाना लंबा लंबा होता है। ये मैंने धो के भिगा के रखा हुआ था। अब अच्छे से हम चावल को मिक्स कर लेंगे। अब ये 2 कप चावल थे तो उसी हिसाब से हम 2.5 गिलास इसमें पानी मिक्स करेंगे। थोड़ा सा नमक और लगेगा क्योंकि चावल भी पड़ गए, तो ये मैंने 1/2 चम्मच और नमक डाल दिया है। आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रखना। अब इसमें हम पानी मिक्स करेंगे। तो बस ज़्यादा पानी नहीं ये करेंगे, बस इतना कि अगर हमने 2 कप चावल लिए हैं तो 2.5 कप पानी का रखेंगे। ये पानी वगैरह हमने सब डाल दिए हैं। अब हम इस पे लीड लगा के 1 बड़ी सीटी, और फिर हम जब 1 सीटी आ जाएंगी फुल इस पे, तो हम गैस को धीमा कर देंगे और धीमी आंच पे अगली जो सीटी आने लगेगी तो हम बंद कर देंगे। जब तक हमारे चावल दम पे हैं तब तक हम रायता बना लेते हैं। तो मैं, ये दही बहुत गाढ़ा था तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा पतला कर रही हूँ। अच्छे से इसे फेंटी लगाएंगे, अच्छे से फेंट लेंगे इसको। और इसमें थोड़ा सा हम नॉर्मल नमक मिला रहे हैं, और साथ ही थोड़ा सा हम, अगर आपके पास कावा नमक हो तो आप डाल सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा हमें काला नमक डाल दिया। ये लगभग 1/2 कटोरी दही था। अब इसमें मैं 4 बड़े चम्मच मिक्स कर रही हूँ बूंदी। ज़्यादा पतला नहीं कर रहे हैं, अगर आपको पतला पसंद है तो आप पतला भी ले सकते हो। अब चले डेकोरेट करते हैं इसे। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और सबसे मेन हम इसमें डालेंगे खुशबू और जायके के लिए
हींग जीरा पाउडर, ये मैंने जीरे को भून के पीसा हुआ है, इसे भी हम इसमें डालते हैं। तो बस ये हमारा रायता भी अब तैयार है। चावल हमारे खिल गए हैं, देखो अब हम थोड़ा फॉर्क की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा फैला लेंगे। अगर हम डायरेक्ट इसमें स्पून डालते हैं तो चावल बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो फॉर्क की मदद से हम इसे ऊपर से थोड़ा थोड़ा लूज करेंगे ताकि इसके अंदर हवा जाए और हमारे जो चावल है वो फूल जाए। तो ये रहे हमारे टमाटर वाले पुलाव, बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। बिल्कुल देखिए, एक एक दाना खिला खिला है, ये लग भी नहीं रहा है कि बासमती टुकड़ा है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइए, और लाइक शेयर करके जाना ना भूले, और न्यू आने वाले सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप इसे रायता और सलाद के साथ सर्व कीजिए। तो बताइए, अब मिलते हैं अब हम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।